पैसों के लालच में गवां बैठे जेवर और जमीन। ठगों ने लोगों को लगाया 11 करोड़ का चूना। उन्नाव के बांगरमऊ में लोग हो गए ठगी के शिकार। आरोपियों की पैसे लुटाते हुए वीडियो वायरल। पुरानी कहावत है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, और इतना अंधा कि वो अपनी जमा पूंजी भी गवा बैठता है। एक मामला यूपी के उन्नाव जिले के थाना बांगरमऊ से सामने आया, जहां पैसे डबल करने के चक्कर में हजारों लोग जेवर और जमीन गवा बैठे। किसी ने घर गिरवी रखा, किसी ने जेवर बेचे और किसी ने जमीन ही बेच डाली, और अब पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल अयान कसाना और अदनान नाम के युवकों ने चिटफंड कंपनी और शेयर बाजार के जरिए लोगों को पैसे डबल करने का झांसा दिया। अरबाज एंटरप्राइजेस के नाम से चलने वाली कंपनी ने 15 दिन के भीतर पैसे दोगुने करने का भरोसा दिला दिया, और भरोसे को कायम करने के लिए शातिर दिमाग ठगों ने कुछ लोगों को पैसे भी वापस दिए, जिसके बाद लोगों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पैसा लगवा दिया, और फिर एक दिन ठग करीब 11 करोड़ रुपए लेकर चंपत हो गए। लोगों की गाढ़ी कमाई गई तो उन्होंने कंपनी मालिक को फोन लगाया तो स्विच ऑफ, कंपनी गए तो ताला लगा पाया। आरोपियों का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, देखिए कैसे ये शातिर ठग लोगों की जमा पूंजी को हवा में उड़ा रहे हैं। वहीं कानूनी कार्रवाई की अगर बात करें तो पुलिस ने फौरन ही कार्रवाई की, और सीओ बांगरमऊ अरविंद चौरसिया ने मामले को गंभीरता से लिया और कसाना और अदनान के राइट हैंड अयान को गिरफ्तार कर लिया। विगत दिनों आपको पता होगा कि यहाँ पर गंज मुरादाबाद में एक अयाज नाम के व्यक्ति द्वारा फर्जी लूट की साजिश रची गई थी, और जिसको पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पर्दाफाश भी किया था, परंतु ये बाद में प्रकाश में आया कि इस व्यक्ति ने गंज मुरादाबाद के जनता से काफ़ी मात्रा में सोना चांदी और साथ साथ पैसे लगाने का काम किया था, जो कि ये कह के काम करता था कि एक स्कीम चलती है जिसमें हम आपका पैसा बहुत जल्दी डबल ट्रिपल कर देंगे। इस तरह से काफ़ी जनता के लोगों ने यहाँ से यहाँ पैसा लगा दिया, और उस पैसे को जब संज्ञान में आया हम लोगों को काफ़ी लोगों से तहरीर मांगी गई, तो उसमें करीब 5-6 लोग तहरीर जो किए उनकी तहरीर को मुकदमा भी दर्ज है हमारे थाने पर, उसमें कार्रवाई चल रही है। फिलहाल तो परेशान हाल ठगी के शिकार लोगों को पुलिस से आस है। उम्मीद है कि कसाना और अदनान की गिरफ्त में आने के बाद उनकी जमा पूंजी उनको वापस मिल जाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि अगर आज नटवर लाल जिंदा होता तो शायद वो भी इन ठगों के आगे हाथ जोड़ लेता। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।